सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमेन। सब पे मिलके बोलेंगे जोर से आमेन आमेन। परमेश्वर ऐसे होने दे सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक हमारा साथ रहा, आगे भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारा साथ होने पाए। लगातार आराधना करने के द्वारा मिलने वाले आशीषों के बारे में लगातार हम परमेश्वर के वचन से सुनते आ रहे हैं, लगातार हम परमेश्वर के वचन से सीखते आ रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आज भी एक मुद्दा के आधार पर मैंने बीते हफ्ता छुड़ाने वाला परमेश्वर बाग दू करके हमने प्रचार किया था, मैं एक और हफ्ता जरूर मैं उस मुद्दा के आधार पर आपको प्रचार करूंगा। लेकिन इस सुबह के समय में आज परमेश्वर ने एक मुद्दा को मेरे दिल में डाला कि आराधना में आजादी है। हालेलुया। आज दुनिया में लोग बंधन में पाए जाते हैं, उस बंधन में से आपको बाहर आने के लिए आपकी परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता का आपको किसी न किसी तरह आराधना करना होगा। आज क्यों बंधन में है, आज क्यों लोग बीमारी में है, आज क्यों लोग चिंता में है, आज क्यों लोग कष्ट में हैं, आज क्यों लोग दरिद्रता में हैं, आज क्यों नाना प्रकार के समस्याओं में से लोग घेरे हुए हैं, आज क्यों शैतान के बंधन में लोग पाए जाते हैं। इन सारी बातों के लिए एक ही एक उत्तर है कि आराधना में आजादी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। सुबह के समय में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसमें 16 अध्याय को खोल के रख ले। आपके पास अगर बाइबल धर्मशास्त्र है तो आप बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 16 अध्याय को आप अपने बाइबल धर्मशास्त्र में से खोल के रख लें। सबसे पहले हम उस अध्याय में से हम एक जो खास बात है उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, उसके बाद हम आज के प्रचार को यहां से शुरू करूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसमें हम 16 अध्याय को सब कोई निकाल के रख ले अगर आपके पास बाइबल है। हम उसमें से हम सबसे पहले 22 पद से पढ़ेंगे। 22 पद से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। 22 से हम लगातार पढ़ें, लगातार मतलब 3-4 वचन को पहले पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर, तब भीड़ के लोग उनकी विरोध में इकट्ठे खड़े हुए, हाकिम ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और आखिरी में उनके कपड़े, ये किन के बारे में लिखा उसको मैं पहले बोल देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का चेले, प्रभु यीशु मसीह के सेवक, प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेरित कहलाए जाते हैं, अपोस्टल्स कहलाए जाते हैं अंग्रेजी में, वे यहाँ पर प्रचार करते हैं। बाकी बातों को मैं बाद में बतलाऊंगा। जब वे प्रचार कर रहे थे, लोगों को परमेश्वर छूता है, आशीष देता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है, इससे कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको नुकसान हो रहा था, इसीलिए वे परमेश्वर के दासों के विरोध में अपना कार्य को करने लगे, विरोध करने लगे। एक बार और, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, आखिर में उनके कपड़े फाड़ उतार डाले, आखिर में प्रभु यीशु मसीह का सेवक लोगों का वस्त्रों को फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा जेलखाना के भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन आराधना महिमा प्रशंसा जय जयकार स्तुति करने लगे और कैदी उनकी सुन रहे थे और कैदी उनके जितने और सह कैदी थे जेलखाना के अंदर वे सब कोई सुन रहे थे जब ये लोग आराधना कर रहे थे। और इतने का एक बड़ा भूकंप आया, इसी में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई
यानी जेल काना की जो नींव थी वो हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ध्यान दीजिएगा, जब इस बात को आप पढ़ते हैं, ऊपर की बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये घटना कहाँ घटा, किस शहर, किस देश में, किस नगर में घटा करके आप थोड़ा सा आपको काम दे रहे हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं तो जरूर आप इस पूरा अध्याय के एक बार पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इस चैप्टर, ये जो अध्याय है बहुत रुचिदायक अध्याय है। आप जब इसके इसके पीछे से आप जाएंगे वहां आपको पहले ये पता चलेगा। मैं इसके बारे में जरूर बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा भूमिका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं ताकि आपको बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये मकदोनिया नामक एक देश में, फिलिपोस नामक एक शहर में ये घटना घटी थी। जब परमेश्वर का दास लोग पौल, और यहाँ पर सेवकों का नाम भी दिया गया है, दर्ज है, एक का नाम पौलुस है, एक का नाम सिलास है। ये दोनों मकदोनिया शहर में प्रचार करने के लिए गए थे, देश में प्रचार करने के लिए गए थे, वहां हरेक विभिन्न क्षेत्र में प्रचार करते आ रहे थे। यहाँ एक शहर है जिसका नाम फिलिपोस, परमेश्वर के जैसे बंगलोर शहर में कन्नूर एक क्षेत्र है जहां पर हम लोग पाए जाते, इस तरह परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, मकदोनिया जो देश था उस देश के अंतर्गत में फिलिपोस नामक एक शहर था, उस शहर में ये लोग प्रचार करने आए। क्यों इनको विरोध हुआ वो बात को समझना बहुत जरूरी है, तबे आप इस बात को समझ पाएंगे। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर को दिल से मानता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर को दिल से आराधना करता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर को दिल से उसके अनुकरण करता है, उसके पीछा करता है, उस व्यक्ति को जरूर इस प्रकार की बातें होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक वचन को मैं याद दिला रहा हूं, फिर हम इस अध्याय में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय, बुक ऑफ जॉन 16th chapter 33rd verse, उसमें हम 33 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 33 पद को पढ़ेंगे। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके चेले लोगों से, प्रभु यीशु मसीह कहता उसके आराधना करने वालों से, प्रभु यीशु मसीह कहता उसको मानने वालों से, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांध। मैंने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। भाई बहन इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। और पौलुस कहता है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता के साथ सच्चे भक्तिमय जीवन बिताएंगे, उनको इस संसार में दुख उठाना पड़ेगा। ये पौलुस का अनुभव है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, दूसरा तिमोथी इसके पत्री को ढूंढ के पढ़िए, ताकि आपको भी थोड़ा सा कोज के वचन को पढ़कर सीखना होगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेंगे, जो मेरे भक्तगण होंगे, जो मेरे आराधक होंगे, जो मेरे साथ प्रार्थना करने वाला होगा, जो मुझ पर विश्वास करने वाले होंगे, वे सब के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगी। अगर कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह को मानने से दुख नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, और लोग हमसे बहुत मीठे मीठे बात करेंगे करके अगर कहता है, वो बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगी परंतु ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु अगर जीता है तो हमको भी वो जिताएगा, अगर प्रभु जीता है हमको भी विजय दिलाएगा। हमारा परमेश्वर का नामों में एक नाम है, यहोवा निसी, विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर चाहता है कि अपने सामर्थ को इस रीति से हम प्रकट करें, जैसे इस 16 अध्याय में हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पौलुस, और फिर हम उस 16 अध्याय में वापस आएंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 16 अध्याय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनको विरोध क्यों हुई है, इनको विरोध होने के समय में इन लोगों ने क्या किया। आज इस संसार में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सका है, जैसा पौलुस कहता है, जरा उस वचन को भी पढ़े। विरोध की बातें
तकलीफ की बातें रोमियो 8 अध्याय के निकाले, ध्यान दीजिएगा। रोग दुख की बातें, क्लेश की बातें, मुसीबत की बातें, हमें दर्द देने वाली, हमें पीड़ा उत्पन्न करने वाली, हमें शोक में डालने वाली, हमें चिंता में डुबाने वाली बहुत सारी, हमें अशांत करने वाली बहुत सारी बातें इस संसार में होगी। लेकिन एक बात को याद रखना, यही पौलुस हमें सिखाता है, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे उस अध्याय को, रोमियो का पत्र उसकी 8 अध्याय, उसमें हम 36 पद लेकर पढ़ेंगे। 36 से पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हे प्रभु यीशु, हे मेरा परमेश्वर, तेरे नाम के निमित्त, तेरे लिए, तेरी भक्ति करने के चलते, तुझ पर विश्वास करने के चलते, मैं दिन भर घात किए जाते हैं। प्रतिदिन मुझे मौत का सामना करना पड़ता है। असली मसीह जीवन यही है, राइट? आगे पढ़ेंगे। बद्ध होने वाली भेड़ों के समान मैं गिना जाता हूँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम उसके द्वारा, उस यीशु के द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें कोई भी ताकत मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। इस बात को पहले दिल में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। जरूर विरोध होगी, जरूर क्लेश होगी, जरूर मुसीबतें होगी, जरूर परेशानियां होगी, जरूर नाना प्रकार की संकटें, मुसीबतें हमारे विरोध में आएगी, ये सब बातें हमारे विरोध में होगी। लेकिन एक बात पर ध्यान देना, कोई भी ताकत हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इनको दुख देने से ये लोग मसीह को छोड़ देंगे, इनको ताड़ना देने से, इनको मारने से, इनको काटने से, इनको गोली मार देने से, इनको चाकू भोंक देने से, कभी नहीं हो सकता है। आप ही को हाथ में दर्द होगा, जो मसीह से, जो परमेश्वर से, जो अल्लाह ताला से, जो दिल से प्यार करता है, उस व्यक्ति को कोई कभी भी संसार का कोई भी ताकत, कोई भी अधिकार, कोई भी सामर्थ परमेश्वर का प्यार से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है कि तुम्हारे शरीर को मारने वाला नहीं, परंतु तुम्हारे आत्मा को नरक में डालने वाला ईश्वर से डरो। हालेलुया, बोले हाथ उठा करके हालेलुया, और एक बार जोर से बोले हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का बयान है। तुम्हारा शरीर को सताने वालों से डरो मत, तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में भेजने वाला, नरक में डालने वाला जो है उससे डरो, अर्थात परमेश्वर से डरो, जो तुमको परमेश्वर जो तुमको अपने राज्य में ले जाना चाहता है, अर्थात उस परमेश्वर से डरो। और इस संसार के किसी इंसान से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को दुख पहुंचाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमको परमेश्वर के प्रेम से कभी भी हमको कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकता। बहुत लोग इस संसार में आए, बहुत लोग गए, बहुत सरकार उठा, सब कोई हार मान करके खत्म हो गए। आपको मालूम होना चाहिए, इटाली देश में रोम नामक जो शहर है, जो आज भी है, उस शहर में उन दिनों में इतिहास बतलाती है, उन दिनों में एक राजा था जिसका नाम किंग नीरो। उस व्यक्ति वो राजा मन में ये टान लिया था, हमारे देश के अंदर एक भी मसीह को मानने वाला को नहीं होना है, खोज का मैं उसको मार डालूंगा, खोज के मैं उसको खत्म करूंगा करके उसने अपना ताकत लगा के देखा। जब एक देश के साथ उसको युद्ध करना पड़ा, उसको लोगों ने उसके ऊपर तीर चला दिया और वो व्यक्ति बेहोश होकर नीचे गिरा। राजा अब उसके शरीर में से खून निकल रहा है और उसके मंत्री लोग, उसके सेनापति लोग साथ में आकर के राजा को चोट लग गया, राजा मर जाएंगे करके राजा को बचाने के लिए जब लोग आए, तब वो व्यक्ति पूछता है नीरो
कि उसको इतना खतरनाक व्यक्ति था, मनोरंजन के लिए मसीह यीशु को मानने वालों को कंबा में बांध करके उन लोगों को देह पे मिट्टी तेल डाल करके आग लगा के वो लोग जब मसीह को मानने वाले रोते थे चिल्लाते थे दर्द के कारण, उस समय यास्ता था मनोरंजन करता था, वैसा दुष्ट व्यक्ति था। तो उसको मरने का समय अभी आ गया। दूसरे देश के लोग जब युद्ध कर रहे थे उसको उसके शरीर में तीर चला दिया, यहाँ पर तीर घुस गया, कई जगह में तलवार से भी लोगों ने काटा, बहुत कुछ हुआ है, इतिहास बतलाती है। जब उसका प्राण निकलने पर था उस समय वो व्यक्ति अपने देश के मंत्री से पूछता है, सेनापति लोगों से पूछता है, क्या हमने इस इटाली देश में सभी मसीहों मार दिया ना, सबको खत्म हो गया ना, अभी मैं मरने पर हूँ, सबको खत्म हो गया ना। तो उसके लिए वो लोग चुप था। तो राजा दोबारा उनसे बोला कि मैं पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग। राजा अफसोस की बात है, जिस दिन आपने मसीहों को मारने के लिए शुरू किया उस दिन बहुत कम लोग मसीह को जानते थे, लेकिन आज आपके देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मसीह को नहीं मानता हो, पूरा देश के लोग यीशु को ग्रहण कर लिया। इतिहास बतलाती है जिस धरती में यीशु का नाम, यीशु का फैसला सुनाया गया था, क्रूस का मृत्यु, इटाली देश, इतिहास को आप पढ़िए, इटाली देश आज का जो जहां पर रोम शहर है, जहां वेटिकन सिटी में पोप जो धर्म गुरु रोमन कैथोलिक का धर्म गुरु रहते हैं, उसी जगह के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोई कहानी नहीं, काल्पनिक बात नहीं, इतिहास बतलाती है। आज उस देश के सारे लोगों का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकती है, उस देश में कोई भी मसीह को न मानने वाले नहीं है, सब कोई मसीह को मानता है। आज इतिहास बतलाती है। भाई बहन, आज एक बात इसमें और जोड़ रहा हूँ, जो रोमन कैथोलिक संस्था जो विश्व भर में संचालित की गई है, जिसका संचालक यानी अगुआ उसी शहर में रहते, उसी देश में रहते हैं, इसलिए रोमन कैथोलिक करके बोलने का मतलब रोम साम्राज्य के अंदर वो रह करके पूरा विश्व में अपने कलीसिया का संचालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, मसीह के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हम हमारा कान काट करके ले सकते हैं, हमारा उंगली काट के ले सकते हैं, जो हमारे दिल है, दिल के अंदर जो यीशु मसीह है उसको तो कोई नहीं हटा सकता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, आज हमें सब तौर से अर्थात परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने सीखने का समय आया है, इसलिए जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम यीशु को नहीं समझ पाएंगे, जब तक इसके साथ हमारे रिश्ता मजबूत नहीं होती तब तक हम प्रभु यीशु के साथ मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। एक बार और याद दिलाते हैं, आज का प्रचार का मुद्दा आराधना में आजादी है। यहां पर मैं एक बार और याद दिला रहा हूं, प्रभु यीशु का चेले पौलुस और उसका सहकर्मी सिलास दोनों मिलकर के मकदोनिया देश में फिलिपुस नामक शहर में प्रचार करने गए। जब प्रचार किए उस समय वहां का लोग विरोध किया। देखिए यहां आज भी किसी भी देश में मसीह के लोगों को अगर कोई विरोध करता उसके पीछे कोई कारण होगा। तो कारण मैं बतला रहा हूं बाइबल धर्म शास्त्र में से, थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं इसी अध्याय में से दो बात आपके सामने लाता हूं। पहले आप पढ़ेंगे इस अध्याय में 12 पद से लेकर 15 पद तक पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम पूरी बातों को समझ सके। 12 पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां से पहले भी पहुंचे, ठीक है, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, ठीक है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे, ठीक है। सब के दिन हम नगर के फाटक के पास, ठीक है, नदी के किनारे समझ कर गए कि प्रार्थना करने का स्थान होगा, ठीक है, और बैठ कर उन स्त्रियों से इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। जब ये लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे उस समय कुछ स्त्री लोग वहाँ पर आ गए, उन लोग भी इन लोगों के साथ प्रार्थना में शामिल हो गए थे, ठीक है। लीदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े, लीदिया नामक एक स्त्री यहाँ पर आती है, ठीक है, पढ़ेंगे, कपड़े बेचने लिए भक्त स्त्री सुन रही थी, ठीक है, प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित लगाए, वो पौलुस की बातों पर चित लगाई, जब अपने घराने समेत वो बपतिस्मा ले ली, तो उसने हमसे विनती की, उसने चेले से प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस से विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वासनीय समझते हो, समझते हैं, तो चल कर मेरे घर में रहो, चल कर मेरा घर में रहे, और वो हमने मना कर ले गई, और वो स्त्री
परमेश्वर के दासों को जबरदस्ती करके अपने घर में ले जाकर के उनकी सेवा करती है। एक बात यहां सीखना है, ये बपतिस्मा ली, बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर के दासों को घर में ले जाकर के सेवा करती है। बहुत लोग बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना क्या नहीं करना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस बात को हम अपने जीवन में उतार लें और इसके अनुसार आने वाले दिन में हमारे घर में अगर कोई बपतिस्मा लेते हैं प्रभु के सेवकों को अपने घर में बुला करके उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको परमेश्वर के साथ मिलाया, क्योंकि उन्होंने आपको स्वर्ग का मार्ग दिखाया, क्योंकि उन्होंने आपके पाप से क्षमा पाने का रास्ता दिखाया, क्योंकि उन्होंने आपको नरक जाने से रोक के आपको मोड़ के परमेश्वर का रास्ता यानी परमेश्वर का घर का रास्ता दिखलाया। इसलिए इस बात को जरूर अपने जीवन में आगे जरूर करें। आपके घर में कोई अगर बपतिस्मा लेते हैं तो जरूर आपके घर में इस परमेश्वर के सेवकों को बुला करके एक मीटिंग रखिए और उस आनंद को आप खूब मिल करके आप सबको मनाइए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ ये एक घटना हुआ है, उसके चलते उस शहर में लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा एक गंभीर घटना उसी के चलते ज्यादा ही विरोध में लोग आ गए थे। पढ़ेंगे नीचे जहाँ छोड़े वहां से पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। देखिए ये बहुत इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ एक स्त्री है, उस स्त्री के अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। मतलब कोई कोई आपका रेखा देख करके नहीं बोलते हैं, कोई कोई कल भी मैं कल नहीं परसों हम किसी जगह जा रहे किसी ने नहीं या दिनेश के भाई ब्रजेश के घर जा रहे थे यशवंतपुर साइड में। जब हम वहां जा रहे तो एक आदमी एक छोटा सा बक्सा में एक तोता को रखा, पैरेट तोता को रख करके उस तोता को जेल खाना जैसा अपना बक्सा में बंद करके वो ले करके चिल्लाते जा रहा, मैं आपके लिए बाहर भावी कहूंगा, आपका भविष्य बतलाऊंगा। अरे आपका भविष्य खराब है, इसलिए तो सड़क सड़क में घूम रहे हो। और उसमें एक और भी बात है कि उस तोता को कब्जा करके रखा है, बंद करके रखा है और वो बोलेगी तब ये बताएगा, ये सब माचा है। इसी प्रकार वहां पर उस शहर में एक स्त्री को रख करके कुछ लोग पैसा कमा रहे थे, भावी कहने वाली आत्मा। जब उसके अंदर इस दुष्ट आत्मा आता था उस समय लोगों को बतलाती थी तुम ऐसा बन जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। वो होता भी था दुष्ट आत्मा का, दुष्ट आत्मा भी अद्भुत काम करता है। उसके चलते यहां जब पौलुस और सीलास इस शहर में बारंबार प्रचार करने गए थे, इस विरोध होने का कारण मैं आपको बतला रहा हूं, जरूर समझ लीजिए। जब लोग आजाद होते हैं, जब लोग शांति पाते हैं, जब लोग चंगे होते हैं, जब लोग परमेश्वर को पास आते हैं, जब लोग शैतान को पहचानते हैं, जब लोग शैतान के रिश्ता छोड़कर जीवित परमेश्वर का साथ जुट जाते हैं, उस समय समाज के लोग विरोध करते हैं। इट इज बिब्लिकल। आपकी आपकी सेवकाई में, आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक मसीह जीवन में कोई भी अगर आपके विरोध करते हैं, आप पढ़ने के जगह में चाहे काम करने के जगह में, जब आप मसीह यीशु के बारे में बोलेंगे, जब आप लोगों में प्रार्थना करेंगे, मान लीजिए अगर वो चंगा हो गया, ये नहीं समझेगा इस व्यक्ति के प्रार्थना से ये व्यक्ति ठीक हो गया, वो नहीं समझेगा, लेकिन उसके उल्टे लोग आपसे विरोध करेंगे। बाइबल ये बिब्लिकल है, इस बात को समझना। तो यहां पर लिखा है एक दुष्ट आत्मा उस स्त्री के अंदर सवार था, वहीं से पढ़ेंगे, तो वो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए, अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। देखिए यहाँ पर लेन देन पैसा का मामला है, एक दुष्ट आत्मा है, दूसरा पैसा कमाने का रास्ता है। आप इस बात को समझ लीजिए, जब आप सच्चे और जीवित परमेश्वर के वचन को प्रचार करके इन सब बातों को समाज में आप बंद करेंगे, इन सब बातों के आप ताला मार के इन बातों का आप समाप्त करेंगे, तब जिनको नुकसान होते होता स्वाभाविक है आपके विरोध करेंगे ही। भाई बहन आज क्यों विरोध होता है इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं बिब्लिकल थॉट को आपके सामने ला रहा हूं, इट इज रिटन इन द बाइबल वेरी क्लियरली। ये साफ तौर से बाइबल धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, पौलुस और सीलास दोनों उस मकदोनिया देश के फिलिपुस शहर में जब प्रचार करने गए, अंदर का दुष्ट आत्मा को स्त्री में से निकालने का काम करते हैं, उनके उस दुष्ट आत्मा उस स्त्री के द्वारा इन लोगों के लिए जो उनकी मालिकों के लिए जो पैसा आती थी वो बंद हो गई। बात समझ पा रहा है? ये इसी बात को लेकर के जेल में
पौलुस को जाना पड़ा, इतना पिटाना इनको पिटना पड़ा, इतना सिलास को भी दुख उठाना पड़ा। थोड़ा सा अच्छी तरह से इस बात को समझ ले, उस वचन को जहां से शुरू किया, नंबर वचन का नंबर बोलो 16, ठीक है 16 पद को देखिएगा, 16 अध्याय 16 पद से लेकर, ठीक है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने का पढ़ने का जगह जा रहे थे, तो हमें दासी मिली, तो हमें दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा, जिसे भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामी, और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती, बहुत पैसा या आमदनी देती थी। दुष्ट आत्मा उस धुरी के अंदर आती थी, उसके चलते लोग बहुत पैसा कमाते थे, राइट। 17 पद, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर की, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसे करती रही, वो स्त्री के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो बहुत दिन तक पौलुस को देख देख चिल्लाती थी और गरजती थी और लोगों को बतलाती थी, अवगत कराती थी, ये साधारण इंसान नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक है, ये व्यक्ति स्वर्ग जाने का कथा आप लोगों को सुनाता है, परमेश्वर के बारे में बतलाता है। ये बार बार इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा पौलुस को देख करके चिल्लाती थी। 18 पद, परंतु पौलुस दुखी हुआ, परंतु पौलुस उस बात से दुखी हुआ। आज के सेवक होते बहुत उस बात का हवा फैला देते, अरे शैतान हमको देख करके कितना डरता, पोस्टर साट देंगे पूरा चेयर में, ताकि अपना नाम यीशु का नाम दब जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। ऐसा भी सेवक है, आप उनको पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। जो भी सेवक यीशु का नाम को दबाता है वो शैतान का संगी है। जो भी सेवक, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, जो भी सेवक यीशु का नाम को ऊंचा करता वही सेवक है, वही परमेश्वर का पास आपको ले जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पौलुस को गुस्सा आ गया, क्यों बार बार तुम मुझे देख करके इस प्रकार चिल्लाता है, शैतान को सामना करता पौलुस। परंतु पौलुस को दुखित, पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से, शैतान से डायरेक्ट बोलता पौलुस, मैं तुझे यीशु मत, तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल जाओ, कि तुम इस स्त्री के शरीर में से निकल जाओ। और वो उसी घड़ी निकल गई, उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा उस स्त्री के शरीर में से निकल गए। जब उसके स्वामी ने देखा, अब आपको सोचना क्यों पौलुस जेल में गया, क्यों पौलुस पीटा गया, क्यों सिलास को भी पीटा गया, क्यों इन दोनों को पेड़ में लोग लकड़ी में खंभा में बांध करके इतना पीटते थे। इन सारी कहानियों का सच्चाई यही है कि दुष्ट आत्मा भाग गया, उस स्त्री छुटकारा पा गई, और जो दुष्ट आत्मा के द्वारा पैसा कमाता था उन लोगों का आमदनी अभी बंद हो गई, इसके चलते वो विरोध करता है, राइट। 19 पद को पढ़ेंगे, जब उसके स्वामी ने देखा, जब उसके स्वामियों ने, एक आदमी नहीं अनेक है, एक स्त्री उसके अंदर का शैतान का आत्मा को रख करके बहुत लोग अपना पेट पालते थे। यहाँ लिखा है जब उसके स्वामियों ने देखा, मतलब अनेक लोग एक शैतान के आत्मा के द्वारा पेट भरता, आज भी चलता है, आज भी चलता है, भक्ति के नाम से, पूजा के नाम से, धर्म के नाम से। कभी कभी हमको फोन आता, आपको भी आया होगा, कि सर जी आपके घर में कुछ दुखद घटना घटने वाला है, 5,000 रुपया आप जीपे गूगल पे कर दीजिएगा तो हम आपके लिए पूजा पाठ कर देंगे। अरे समस्या हमको है, हमको जाने दो, तो तुम कौन होता बीच में पैसा लेकर के पूजा करने वाला। इस तरह आज ये एक धंधा है, लोगों को डरा के, लोगों को धमका करके और उनका पैसा लूटने का धंधा एक चलता अलग से, पहचानने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। परमेश्वर वो है, जब तुम संकट में पड़ जाओगे, बाइबल बतलाती है जब तुम संकट में पड़ोगे मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो नो मीडिएटर, उसको कोई बीच में किसी को रखता नहीं है। जरूर हमारे जैसे सेवकों को वो रखा है आपको उंगली पकड़ करके उसके पास पहुंचाने के लिए, गलत रास्ता दिखाने के लिए नहीं। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, प्रभु ने कहा संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करने पाओगे। भाई बहन सुबह के समय में सत्य को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये लोग बीच में धर्म के नाम से पैसा कमाने वाले, चाहे वो ओझागुनी करता है, जादूगर है, या कोई है, कोई भी है, बहुत सारे धर्म के नाम से ठेकेदार लोग पाए जाते हैं संसार में, हर देश में। वे लोगों को डरा के धमका करके उनसे पैसा लूटते हैं।
लेकिन परमेश्वर वो है, वो कहता है संकट के दिन में तुम मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करने पाओगे। जोरदार हालेलुया बोले, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पौलुस को क्यों इस प्रकार लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई आशा जाती रही, आपके पास कलम होगा तो अंदर ले, पौलुस जेल में जाने का कारण क्या है, हमारी कमाई बंद हो रही है, हमारी आशा खत्म हो रही है, हमारी कमाई बंद हो रही है, हमारी आशा खत्म हो रही है, इस कारण हम, ध्यान दीजिए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आज भी ईमानदार सच्चे परमेश्वर के दासों के साथ ये लड़ाई चलते रहता है। शैतान को मानने वाले, शैतान के पीछे चलने वाले, झूठ को बढ़ावा देने वाले, सत्य को दबाने वाले, ये सब मिलकर के पैसा कमाने के लिए वे ईमानदार लोगों को सताने में लगे हैं। भाई बहन मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन परमेश्वर उस समय चुप नहीं रहता है। परमेश्वर जब आप बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, यदि कोई तुमको चुएगा वो मेरा आम का पुतली को चुने का बराबर हो जाएगा। जैसे लोग बातचीत में बोलते हैं, अगर तुम मुझको चूक देखो तब तुमको समझ पाएगा। लोग बातचीत में बोलते हैं, गुस्सा में बोलते हैं, जुर्म हो जाएगा। लोग ऐसे जवाब देते हैं, हमको चूक देखो जुर्म हो जाएगा। तो ये यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का मालिक, वो कहता है मेरे बच्चों को अगर कोई छू लेगा मेरा आम का पुतली को छूने के बराबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको याद है कभी आपका आम का पुतली को छूने के जैसे कभी कोई छूया है आपके आम का पुतली को? आप एक मामूली इंसान, मेरे तो याद नहीं है, मेरे को अभी तक मेरा आम का पुतली को कोई नहीं छूया। हम तो मामूली इंसान है, हमारे ही अगर आम का पुतली को कोई छू नहीं सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार मालिक है, तारणहार है, पालनहार है, हमारे केवनहार है, उसको कौन छुएगा? है कोई दुनिया में? कोई आज तक जन्म नहीं लिया, कोई नहीं जन्म लेगा। वो सर्वशक्तिमान इस गॉड ऑफ ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एक नजर देखेगा तो सब कोई भस्म हो जाएगी, इतना सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। लोग अनजाने में, मैं कभी कभी इस तरह कल्पना करके देखता हूं, ये मेरे आदत भी है। मान लीजिए कोई जवान शेर खस के नींद में अगर सो रहा हो, सोता हो, कोई मूर्ख आदमी उसका पोछ पकड़ करके खूब खस के घुमा दे और उसके सामने खड़ा होकर के कमर में हाथ रख करके उसको ताके, तो उसका दशा किया होगा। मैं इस तरह कभी कभी सोचता हूं, जो मसीह परमेश्वर के लोगों को विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को दुख देते हैं, उनके बारे में मैं इसी तरह सोचता हूं। सोया, इसलिए कहावत है, सोया हुआ शेर को जगाओ मत। परमेश्वर अगर शांत है उसको शांत रहने दीजिए। अगर आप उसको क्रोध और रुस दिलाएंगे, दुनिया भस्म हो जाएगी, दुनिया राख राख बन जाएगी। भाई बहन इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, आखिर पौलुस को जेल कारा में ले जाके बंद करने का कारण, कई प्रचारक लोग केवल उसी बात को बोलेंगे लेकिन उसके पीछे ये बात है, पैसा कमाने वाले धर्म के नाम से दुष्ट आत्मा को ओझा गुनी करने वाले, जादू टोना करने वाले जादूगर, ये सब कोई उस शहर को बर्बाद करके रख दिया। कोई ईश्वर के पास लोगों को जाने नहीं बोलता है कि तुम्हारे दुख है, बीमारी है, अशांति है, शैतान तंग करता है, हमारे पास आ जाओ, 2000 दे दो, 5000 दे दो, तुम्हारा मैं प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। आज इस बात को समझ, इस बात से हमेशा सतर्क रहिए। अगर कोई पैसा लेकर के आपको भगवान से मिलाने की बात करता है, वो एक नंबर शैतान है। परमेश्वर हर इंसान से अपने मिलना चाहता है। हालेलुया, तुम अपने संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करने पाओगे। इसके लिए कोई पैसा किसी को दे करके हम अपने आप को गुलाम बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप आजाद हो जाइए, मैं उसी के बारे में प्रचार कर रहा हूं, आराधना में आजादी है। इसलिए मैं इस बात को ऊपर जोर दे रहा हूं, आराधना में आजादी है। ठीक है, ये व्यक्ति गया उस शहर में, दुष्ट आत्मा को, शैतान को भगा दिया, उस स्त्री को छुटकारा दे दिया, और जो गलत कर रहे थे उनका गलत कामों को ऊपर इन्होंने ताला मार दिया, अब सारी बातों को कंट्रोल कर दिया। ये व्यक्ति परमेश्वर का दास,
तो उसका प्रतिक्रिया में ही वे लोग इस काम को कर रहे थे। एक बार और 19 पद से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी आमदनी जाती रही, खत्म हो गई, हमारी आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए और फौजदारी और हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, देखिए किस तरह आरोप लगता है। चोर ईमानदार आदमी के ऊपर दोष लगा रहा है। भाई बहन मेरी बात को समझने के लिए, आज दुनिया जिस तरह चलती है उसी बात को 2000 साल के पहले ईश्वर ने अपने पवित्र संतों के द्वारा लिख करके हमारे हाथ में दिया। इसका अगर पढ़ लीजिएगा आपकी आंख खुल जाएगी। इसीलिए इतना विरोध होती है, ना पढ़ो, ना जाओ, ना बैठो, ना आराधना करो, ना यीशु का नाम लो, क्योंकि आप नाम लेंगे आजाद हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। इसी कारण से इतना खेल तमाशा होता है हर देश में। ध्यान दीजिए, जब उनके लोग ले आकर के वहां पर फौजदारी और हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में आकर बड़ी हलचल मचा रहे हैं। किसको हलचल हो रहा है जी? आम जनता को। यहाँ किसको हलचल हो रहा है? आम जनता को। जो लोग लुटेरे थे, जो लोग चोर थे, जो लोग भगवान के नाम से धंधा करते थे, जो लोग धर्म के नाम से टीका लेकर के पैसा लूटते थे, जो लोग इंसान को तबाह तबाह करके रखे थे, वे सब कोई उनके बीच में हलचल मच गई। अरे बाप रे बाप, ये व्यक्ति ये दोनों यहाँ रहेगा तो हमारा चूल्हा बुझ जाएगी हमेशा के लिए, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम पैसा को देखने ही नहीं पाएंगे अगर ये लोग रहे तो। इनको ठिकाना कर दो, तब क्या करना, दोष लगा दो, इनको ऊपर झूठा आरोप लगाओ, इनको ले जाकर के जेल खाना में बंद कर दो। अगर ये जेल खाना में चला जाएगा फिर हम अपना धंधा स्टार्ट कर देंगे। भाई बहन मेरी बात को समझ रहे, यहाँ का जो सरकार है, मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज रिटन इन द बाइबल वेरी क्लियरली, ये साफ तौर से बाइबल धर्म शास्त्र में लिखा है। यहाँ के इस पौलुस के दिन में उस मकदोनिया शहर में जो सरकार थी वो जनता के साथ नहीं थी परंतु चोरों के साथ वो जुटी हुई थी। चोर मुसेरा भाई है। हालेलुया, कहावत ठीक बैठता है, चोर मुसेरा। चोर का अगर आप सरकारी नौकरी पुलिस स्टेशन में दिला दीजिएगा जाएगा, बताइए मोहम्मद भाई समझ रहे हैं? चोर को अगर बिना घूस दिए पुलिस स्टेशन में थाना में ले जाकर के अगर उसको दरोगा के पास में बैठा दीजिएगा वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो खुद चोर है। भाई बहन इस सरकार, यहाँ का सरकार के बारे में बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, ये लोग चोरों का साथ मिले हुए थे। इसलिए इस संत व्यक्ति के बारे में, परमेश्वर के दासों के बारे में, वे लोग सुनते ही तुरंत आवेश में कदम उठाते हैं। थोड़ा पढ़िएगा 20 पद से एक बार आओ। और ने फौजदारियों के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। हलचल किसको हो रहा है? जितने 2 नंबर 420 लोग थे उनके बीच में हलचल मच रही है। जहां भी आप सच्चाई का प्रचार कीजिएगा चोर सब एकदम अकबक होने लगेगा। आप मेरी बात को समझ लीजिए। आप अगर हमारे बीच में यहाँ 2 चोर होगा 5 चोर होगा तो वो तुरंत यहां से उठ के हट जाएगा, यहां से उसको मन नहीं लगेगा। क्यों? ये तो हमको सुधारने के लिए प्रचार कर रहे हैं। जो सुधरना चाहते हैं वो और 10 लोगों को लेके आएंगे, वहां जाने से हम सुधर जाएंगे। वहां ईश्वर का घर है, वो इबादत का घर है, सच्चा मार्ग है, प्रेम मिलता है, वहां पर सबको बराबर समझा जाता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, यहाँ कोई पैसा वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, यहाँ सब कोई बराबर है। क्योंकि यही सत्य को उन दिनों में भी लोग विरोध किए थे, इसलिए वे बोल रहे थे कि इन लोगों के चलते हमारा शहर में हलचल मच गया। लेकिन ऐसा बात नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ। क्योंकि देखिए किसी स्त्री के अंदर शैतान बहुत सालों से सवार है, उस स्त्री को उस शैतान से अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम से छुटकारा दे दे तो क्या गलत बात है? क्या पाप कर दिया जी? अपराध कर दिया? तो उसी का ये लोग बोल रहे हैं कि लोगों ने आकर के हमारे शहर में हलचल मचा दिया।
21 पद पढ़ेंगे, 21 पद। और ऐसे रीतिया बता रहे हैं, ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना, जिन्हें ग्रहण करना या मानना, या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हम देखिए गरमा दिया किस तरह मामला को, मेरा नुकसान हुआ है लेकिन मैं इसमें किस तरह राजनीति कर रहा हूं, धर्म के नाम से राजनीति करता हूं। भाई बहन अनेक देश में आज धर्म के नाम से इस प्रकार के राजनीतियां की जा रही हैं, खुद सरकार को लोग उसमें मिले हुए हैं, उसके चलते जनता परेशान है, जनता पीसे जाते हैं। किसी भी देश में अगर लोग, जनता अगर दुखी है, परेशान है, रोते हैं, बिलख बिलख करके एक दिन को पार करते हैं, अशांति में रहते हैं, दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, नाना प्रकार के दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस दबाव में रहते हैं, उसके पीछे इस प्रकार की बातें जरूर होगी। मैं नहीं बतला रहा हूं, ये मेरा बाप दादा की किताब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की किताब है, इसमें अस्पष्ट तौर से सच्चाई कुलम कुलम लिखा हुआ है। इस कारण जब लोगों को, इन लोगों ने, मेरी आमदनी अभी बंद हो गई, अब मुझे जीना मुश्किल है, मेरी आशा खत्म हो रही है, मेरा मेरी आमदनी, मेरी पैसा जो मेरी, मेरे लिए पैसा मिलती थी वो अभी कमाई खत्म हो रही है मेरा, वो शब्द यहां पर बाइबल में रिटर्न, यही शब्द यहां पर लिखा, आमदनी नहीं मेरी कमाई बंद हो गई। तो इसीलिए गरमा दो मामला को, जहां जहां कमाई बंद होती है वहां इस प्रकार, दुनिया के हर देश के बारे में मैं बोल रहा हूं, धर्म के नाम से जहां कमाई बंद होते हैं वहां लोग इस प्रकार पीछे जाते हैं। इसमें लोग सोचता हम बहुत चलाक है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम 10-20-50 आदमी को ले जाकर के सैनिकों के सामने चाहे सरकार के सामने इनको ऊपर कस करके झूठा आरोप लगा देंगे, ये तो बेचारा जेल में चला जाएगा, हम पहले के जैसे आकर के बाहर आके हम अपना धंधा शुरू कर देंगे, कमाई होगा नहीं होगा। सच देखिए ईश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ईश्वर के घर में देर है, आपकी प्रार्थना के लिए उत्तर लेट से मिल सकता है परंतु ये याद रखिए आपको प्रार्थना निवेदन के लिए उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। हमारे भाई यहां प्रशांत यहां पर एक अच्छा जीवित, सबके बारे में मैं बतला सकता हूं, एक जीवित गवाह है यहां पर, हम लोगों ने इनकी शादी के बाद सबको मिलकर के, बहुत लोग इनके लिए, इनका बहुत जान पहचान प्रभु के मानने वाले लोग हैं, सब लोग हम लोग मिलकर के प्रार्थना किए, परमेश्वर ने नौकरी भी दिया, एक सुंदर एकदम गोरी गोरी मक्खन जैसे एक गोरी गोरी बेटी को परमेश्वर ने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ईश्वर के घर में, जबकि व्यक्ति पत्नी के साथ आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था, लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए पौलुस को फंसा दिया गया सिलास के साथ, ये लोग सोचता है भीतर जाने के बाद इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, भीतर जाने के बाद इनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम दबा देंगे इनको अपना सरकार के कानून के हिसाब से, अपना बल को इस्तेमाल करेंगे, इनको दबा देंगे। आप इंसान को दबा सकते हैं, ईश्वर को नहीं दबा सकते हैं, हालेलुया। ईश्वर को आप नहीं दबा सकते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, पढ़िए 21-22 पद से लेकर पढ़िए जल्दी। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में, उनके विरोध में पौलुस और सिलास के परमेश्वर के दासों के विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए, उनके कपड़े उतार डाले, उनको कपड़े उतार कर नंगा भी कर दिया, इतना मार मारा नंगा भी कर दिया, तो पर भी गुस्सा इनको शांत नहीं हो रहा है, वो विरोध और उनका बढ़ रहा है। पढ़ेंगे आगे, और ने बेत मारने के, और वे बेत से मारने के लिए आज्ञा दी, बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी की, उन्हें चौकसी से रखो, कहीं ये लोग भाग ना जाए क्योंकि हमारा धंधा फिर बंद हो जाएगा। ऐसा लोग बाहर भागने से, ऐसा लोग बाहर घूमने से, ऐसा लोग घर घर में जाके, गांव गांव में जाके, नगर नगर में जाके, शहर शहर में जाके ये चूंकि प्रचार करेगा, हमारा कमाई बंद हो जाएगा भैया, इसीलिए इनको ऊपर क्या रखना, एकदम अंदर अंदर दबा करके रखो, एक ताला के बदले 10 ताला लगा करके रखो ताकि ये व्यक्ति बाहर ना आए, दबाने के लिए इसी तरह सच्चाई को दबाया जाता है। पढ़िएगा आगे,
उसने ऐसे आज्ञा पा कर उन्हें भीतर के कोठरी में ले जाकर रखा और उनके पांव उनके पांव काट में ठोक दिया। आधी रात के लगभग पौलुस और यही वचन इस पूरा अध्याय में बहुत कीवर्ड है। जैसा आपका दरवाजे को बंद करते हैं खोलते हैं उसके लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ये वचन कुंजी है, खोलने वाला चाबी है इस पूरा अध्याय में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आराधना, मैंने कहा था आराधना में छुटकारा है, आराधना में आजादी, आज के प्रचार का मुद्दा आराधना में आजादी है। जब वे आराधना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे एकाएक बड़ा भूमिडोल हुई, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा बंदीगृह के द्वारा खोले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। सभी कैदी भाग गए हैं। अब तो उसने तलवार खींच तो उसने अपना तलवार खींच कर अपने आप को मार डालने के लिए चाह रहा था, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम भागने वाले नहीं है। हालेलुया, हम डरने वाले नहीं है, हम भागने वाले नहीं है, हम यहीं पर हैं। तुम अपने आप को कोई हानि मत करो, तुम आत्महत्या करके मरने के लिए जरूरत नहीं। पढ़ेंगे नीचे, तब वह दिया मंगवा कर पूरा लाइट भी नहीं है वहां पर, रोशनी खत्म हो गई, वो दिया मांग कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस अभी पहले जितना मारा था उसके सामने ये व्यक्ति अभी कांप रहा है। आपको जितने लोग सताते हैं वो आपके सामने कांपेंगे। मैं आपसे सीधे सीधे आ रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितने लोग आपको सताए हैं, जितने लोग आपको दुख दिए, जितने लोग आपको वेदना दिए, जितने लोग आपको रुलाए, जितने लोग आपको कष्ट में और पीड़ा में डाल दिए जबरदस्ती, वे सबको एक दिन आएगा आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। एक जोरदार हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर वो काम करेगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वो गिड़गिड़ा कर आगे आके गिरा, पौलुस के सामने मुंह के बल गिर गया। पढ़े 30 पद, और उन्हें भी बाहर लाकर कहा हे सज्जनों उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। उधार पाने, देखिए इनका आंख खुल गई। देखिए थोड़ा सा हम दुख उठाते हैं, बहुत लोगों का आंख खुल जाती है। हालेलुया, दुख उठाना अच्छा है कि दुख अच्छा नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना अच्छा है या अच्छा नहीं है? कितने लोग मानते हैं अच्छा, अगर हाथ उठा के हालेलुया बोले जोर से, आमीन। तो हम यीशु के नाम के निमित्त थोड़ा समय के लिए दुख उठाएंगे, दुख में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग छुटकारा पाएंगे। ये व्यक्ति बोलता है हे सज्जनों भाइयों, हम उधार पाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा रास्ता बतलाइए। पढ़ेंगे आगे, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उधार पाएगा। तो जीवन में अगर उधार पाना है, जीवन में आजादी के साथ जीना है, जीवन में छुटकारे के साथ रहना है, जीवन में आनंद और खुशी के साथ रहना है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तब तू और तेरा घराना उधार पाएगा। आप दुखी हैं इस सुबह के समय में, यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए। अगर आपके घर में गरीबी है, दरिद्रता है, कष्ट है, कर्जा है, पीड़ा में है, शैतान के मुसीबत, शैतान के द्वारा आप दबाव में हैं, बाइबल धर्मशास्त्र बताता है तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी साथ साथ उद्धार पाएगा। यही गॉस्पल, यही शुभ संदेश है कि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं अगर हम एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेंगे, हमारे घर के सारे लोग प्रभु को द्वारा उद्धार पाएंगे। हम गांव में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, समस्त गांव के लोग, इसलिए आज परेशानी है पूरा दुनिया में, इसलिए लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि सब कोई उनके बंधनों में टूट जा रही है, दबाव में से वे बाहर आ रहे हैं और डर से, भय से और बीमारी से, तमाम प्रकार के शैतान के
पाप से, अंधकार से लोग छूट रहे हैं, विजय पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं। इसके चलते आज पूरा दुनिया में कहीं ना कहीं विरोध की बात, आराधना में जाके अल्लाह करना, पास्टर को पीटना, मिशनरी को मार देना, विश्वासियों के घर में जाके आग लगा देना, ये सब काम क्यों हो रहा है? करने वाले परेशान हैं वे, लेकिन उनके लिए मैं एक जवाब दे रहा हूं, आप हमेशा के लिए हारा हुआ ही रहेगा, क्योंकि आप इंसान से नहीं लड़ते हैं, आप ईश्वर से लड़ते हैं, आप उससे लड़ के कभी विजय नहीं पा सकते हैं। मेरा संदेश साफ है भाई बहन, ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे लिखा है कि उस जेल का ना अधिकारी आके बोलता है, नीचे मुंह के बल गिरता है और उसे कहता है, पौलुस भैया, साहबों, हे मेरे भाइयों, मुझे और मेरे लोगों को छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आजादी जीवन जीने के लिए रास्ता बतलाए। तब वो कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, 31 पद है, 31st वर्ड, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू तेरा घराना भी उधार पाएगा। एक व्यक्ति एक घर में विश्वास करेगा, उसका पूरा घर के लोग उधार पाएंगे। यही यीशु मसीह का सामर्थ्य है, यही यीशु मसीह में शक्ति है, यही यीशु मसीह का अनुग्रह है। मैं अगला हफ्ता यहीं से प्रचार करूंगा, लेकिन यहाँ 34 पद तक थोड़ा पढ़ लें, 34 तक पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 32। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। वो व्यक्ति रातें रात दौड़ता है, अभी तो ये तो ये व्यक्ति ऑन ड्यूटी में है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। जेलर, जेल अधिकारी, वो तो ऑन ड्यूटी में है, लेकिन वो अपना ड्यूटी छोड़ के घर जाता है, घर के सभी लोगों को ले आता है, सबको बैठाता है। उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। यहाँ एक भेद समझना है, पहले ये उपद्रव आने के पहले पौलुस देश देश में, गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, व्यक्ति व्यक्ति के पास, ये ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाता था। जब परमेश्वर के लिए थोड़ा सा दुख उठाया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, लोग अपने आप पौलुस के पास आके बैठ करके परमेश्वर के वचन को रात में सुनते हैं, दिन में नहीं, वो भी बीच रात में, पूरा घर के लोग आ जाते हैं और सब लोगों को पौलुस उनके सामने ही आके बैठते हैं। मैं आपको बतला रहा हूं, एक बात लिख के रख लीजिए, इस सुसमाचार का ताकत क्या है, हर जाति, हर देश, हर कुल, हर जगह के लोगों, हर इंसान को इस सामर्थ्य से ये सुसमाचार झुका देती है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। 32 पद को पढ़ेंगे, 32 पद, और उन्होंने उसको उसके सारे घराने के घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखिए, सुसमाचार का सामर्थ्य देखिए, आदमी को भी झुका दिया, आदमी को इतना नम्र बना दिया, इंसान बनाता है। पहले ये व्यक्ति शैतान था, क्योंकि पौलुस को पीटा, अब इंसान बन गया, घाव को धोता है। उसने अपने सब लोगों के समय तुरंत बपतिस्मा लिया, रातें रात में तुरंत बपतिस्मा, एक ही दिन में ये सब हो रहा है। तो दुख उठाना अच्छा कि अच्छा नहीं है जी? यीशु के नाम के निमित्त जितने हम दुख उठाएंगे उतने लोग आजाद होंगे। इसलिए आराधना में आजादी है, इसलिए आराधना में छुटकारा है, यीशु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। नीचे पढ़ेंगे 34 पद 34 पद, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, उसने अपने घर में ले गए, जेल खाना में, जो कैदी के नाम से जिसको ऊपर मोहर लगा के जेल में डाला गया था, वो व्यक्ति के द्वारा आशीष पाता है, जेलर अपने घर में पौलुस को ले जाता है। वो व्यक्ति क्या कहता है, उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब भी आप आनंदित होंगे, इस बात को समझ लीजिए। चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप कितना भी दूर में बैठ करके सुनिए, कभी भी आप सुनिए, आप कोई भी क्यों ना हो, एक बात को याद रखिए, जब तक आप अपने गलत रवैया को छोड़ के परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप अशांति में रहेंगे। जब आप अपने गलत जीवन, पापमय जीवन, गलत आदत, गंदे जीवन को छोड़ करके
अपना जीवन को बदल के परमेश्वर के सामने आके गिर पड़ेंगे, आप आनंदित होंगे, आप आजाद रहेंगे, आप छुटकारा के जीवन जिएंगे। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में, पीढ़ी पीढ़ी तक, आपके कामों में, आपके आमदनी में, आपके बिजनेस पे, आप जहां भी काम करते हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर जगह में परमेश्वर का बरकत आपको ऊपर रहेगा। ये मेरा बात नहीं है, आकाश और पृथ्वी को जिस परमेश्वर ने बनाया उसकी ये वाणी है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने मुंह खोल करके थोड़ी देर अपने 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 जगह में ही हालेलुया हम परमेश्वर को स्तुति करें, प्रशंसा करें, जय जयकार करें। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, उसका हम अपना धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोले, आंखों को उठा करके आजादी के साथ, आप यहाँ आजाद नहीं है, कहीं भी आजाद नहीं हो सकते। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, सब कोई, बच्चे भी, सब कोई अपने दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके नाम के निमित्त हम आजाद हैं, आपके काम के निमित्त हम छुटकारा पाए हैं। यीशु तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू हमें परमेश्वर पिता आजाद करने वाला परमेश्वर है। हम आपका प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी छुटकारा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके द्वारा मिलने वाले आजादी के लिए धन्यवाद करते हैं। आराधना में आजादी है, आराधना में छुटकारा है। यीशु तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ्य, हालेलुया, जब लोग हमें सताते हैं, जब लोग हमें दुख देते हैं, जब लोग हमें क्लेश और मुसीबत देते हैं, जब लोग हमें कम अंदाजा लगाते हैं, जब लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं ये बेकार है, निकम्मा है, नलायक है, इनसे कुछ होगा नहीं, अब इनको जेल में ले जाकर हम बंद कर देंगे, जब अन्य जाति लोग हमारे ऊपर इस प्रकार जुल्म करने लगते हैं, उसी समय तो अपना हाथों को बढ़ाता है, हमारे द्वारा अपना सामर्थ्य को प्रकट करता है। जेल काना का नींव हिल गई, सारी जेल का दरवाजाएं खुल गई, सारे जेल काना में रहने वाले कैदियों का बंधन टूट गई और वे आजाद हो गए। प्रभु जी यीशु समाचार जहां भी सुनाया जाता है, यीशु का नाम की प्रचार जहां भी की जाती है, वहां लोग आजाद आज भी होते हैं, छुटकारा पाते हैं। हम उसके लिए गवाह हैं स्वामी, यहां रहने वाले सबको हम गवाह हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह तमाम लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, सब किसी को शांति आनंद खुशी अनुग्रह। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में आशीर्वाद है, आराधना में आजादी है। इन आशीषों को देकर के तो अपने लोगों का आगे बढ़ा। और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, विभिन्न जगह में बैठ करके तेरे वचन को लोग जो सुन रहे हैं, सबके जीवन में आशीष दे, सबको बरकत दे। जो भी लोग जब कभी इस वचन को YouTube के माध्यम से सुनेंगे, उन्हें उस दिन भी तो आशीष दे स्वामी। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। सबको मिलके एक बार जोर से बोले आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों का आशीर्वाद दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के साथ होने पाए।